आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइबल्स ऑफ द वर्ल्ड्स। पहले तो ये समझते हैं ट्राइबल्स होती क्या है। ट्राइब्स आर नॉट ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बायोटिक ग्रुप, न केवल जैविक समूह होती हैं ये, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट सोशल एंड कल्चरल ग्रुप। और क्या करती है ये, जबकि सामाजिक व सांस्कृतिक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती है। एक जैविक समूह नहीं होता। अ ट्राइब्स इज अ सोशल और सच पर्सन हु आर डीपली रिलेटेड टू वन अनदर बाय सोशल ट्रेडिशनल एंड कल्चर रिट्यूट्स। एक जनजाति क्या होती है, लोगों का वह समूह होती है जो सांस्कृतिक रीति रिवाज व सांस्कृतिक परंपराओं से दूसरे से जुड़ी होती है। टाइप्स मेनली लिव इन पोलर एरिया, कहाँ रहती है अक्सर, ज़्यादातर पोलर एरिया में, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, ठीक है, ग्रासलैंड एरियाज एंड रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, यहाँ ज़्यादातर जनजातियाँ रहती हैं। पहले ये देख लेते हैं कि मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कहाँ कहाँ रहती है। इन हैबिटेट ऑफ पोलर, पोलर और ठंडे इलाकों में कौन सी रहती है, ये रहती है। इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी रहती है, ये रहती है। इन हैबिटेट ऑफ हॉट एंड ड्राई कालाहारी डेजर्ट, ये रहती है बुशमैन। इन हैबिटेट ऑफ टेम्परेचर और ग्रासलैंड एरिया केरेज, ये रहती है। इन हैबिटेट ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया, ये रहती है मासी और बोडो। इन हैबिटेट ऑफ हिल एंड प्लेटो एरिया कौन सी रहती है, हमारे राजस्थान में, जैसे भील, गोंड, मीना, नागा, ये सारी रहती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी बुक का पहला कौन सा है, एस्किमो। एस्किमो का मतलब क्या होता है, मतलब दिया हुआ है ऐसी जनजाति जो क्या खाती है, मीट। और कहाँ रहने की आदि है, ठंडे इलाकों में, बर्फ वाले इलाकों में। किस से रिलेटेड है ये, मंगोल रेस से रिलेटेड है, मंगोल जनजाति से। अब इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर पूछ रहा है कैसी होती है, किस से रिलेटेड है ये, पहले बता चुका हूँ, मंगोल रीजन से। इनका चेहरा कैसा होता है, ठीक है, वाइड होता है, चौड़ा होता है, सीधा होता है। कलर कैसा होता है स्किन का, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए भूरा कलर होता है। बद्दे और काले रंग के बाल होते हैं। हाइट कैसी होती है, मीडियम होती है। नाक कैसा होता है, चपटा होता है, सीधा होता है। आंखें गहरी होती है और चॉकलेटी कलर की होती है और स्लेटिंग होती है, ठीक है, तिरछी होती है, सॉरी। द बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर, शरीर की संरचना कैसी होती है, मस्कुलर, मजबूत होती है शरीर में। अब इनका बिहेवियर कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, बहुत ही सिंपल होता है, अच्छे होते हैं, बनाए रखे हुए अपने व्यवहार को, किसके द्वारा, थोड़ी सी सीरियसनेस के और इंटेलिजेंट के द्वारा अपने व्यवहार को आज भी बनाए हुए हैं। हैबिटेट एरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एस्किमो आर लिमिटेड टू आर्कटिक एंड टुंड्रा रीजन, कहाँ कहाँ है, आर्कटिक से टुंड्रा रीजन तक पाए हुए हैं ये, यहाँ बहुत शुरू से ही रहते आए हैं ये, कितने लगभग 10 लाख लोग आज भी रह रहे हैं वहाँ काफ़ी सालों से। ये जो इलाका है वो कहाँ तक फैला हुआ है, अलास्का से बिरिंग जलडमरू तक। जलडमरू क्या होता है, बताया हुआ है क्लास में। ये कहाँ रहते हैं, अलास्का में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ग्रीनलैंड में रहते हैं और नॉर्थ साइबेरिया के इलाके में रहते हैं। ये इस इलाके के क्या हो चुके हैं, अब आदि हो चुके हैं रहने के, क्योंकि अब हम गर्म इलाकों में रहते हैं तो हम भी गर्म इलाकों में रहने के आदि हो गए। वैसे ये ठंडे इलाकों में रहते रहते यहाँ के आदि हो चुके हैं रहने के। अब ये जहाँ जहाँ जिस एरिया में पाए जाते हैं उस एरिया में इनको उस नाम से जाना जाता है, अलग अलग एरियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैनेडा और ग्रीनलैंड में तो इनको क्या कहते हैं, एस्किमो ही कहते हैं। स्कैंडिनेविया में क्या कहते हैं, स्कैंडिनेविया में इनको क्या कहते हैं, लैप्स कहते हैं। नॉर्थ साइबेरिया में इनको क्या कहते हैं, स्म्योडस, याकूत, चकची और तुंग, द्वारा बताता हूँ। साइबेरिया में क्या कहते हैं इनको, स्मोयडस, याकूत, चकची और तुंग क्या कहते हैं। अब इनकी खाना क्या होता है, ये जो हैं
कच्चा मांस खाने के आदि होते हैं। ये क्या खाते हैं? मछलियाँ खाते हैं, वेल्स खाते हैं, पोलर बियर खाते हैं, सी लॉयन खाते हैं, हेयर खाते हैं, वुल्फ खाते हैं, वॉलरिस खाते हैं। अब इनके कपड़े कैसे होते हैं? कपड़े तो पहनेंगे भाई, इंसान है। एस्किमो वियर द मेड फ्रॉम, सॉरी, एस्किमो क्या करते हैं? भालू जो बने हुए आते हैं ना, ध्रुवीय भालू जो होते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं। एस्किमो वियर मेड फ्रॉम कार्विव स्किन स्मूथ ऑफ द पोलर वियर इज ऑल्सो यूज टू मेक क्लॉथ्स। वुमेन एंड मेन वियर सिमिलर काइंड ऑफ क्लॉथ्स। भालू की खाल के बने हुए कपड़े पहनते हैं ये। पुरुष और महिलाएं एक जैसे कपड़े पहनती हैं, फैशन नहीं करते, सब लगभग सेम से ही कपड़े पहनते हैं। महिलाएं अक्सर कपड़े बनाती हैं, जाहिर सी बात है महिलाएं बनाएगी, पुरुष तो शिकार करने जाएंगे, खाना लेके आएंगे। ये जो कपड़े पहनते हैं, एक जर्सी टाइप होती है इनकी, उसको क्या बोलते हैं? टिमियंक, टिमियंक बोलते हैं, टिमियांक, टिमियांक बोलते हैं जिसको जर्सी टाइप ये पहनते हैं ना। ये पूरी बाजुओं तक ढका होता है, और इन बाजुओं के ऊपर, तिमिया के ऊपर एक कपड़ा और पहना जाता है, उसको अनोहक बोलते हैं। अनोहक, पहले जैसे शर्ट पहन ली, शर्ट के ऊपर कोट पहन लिया, तो ये भी पहले टिमिया पहनते हैं, टिमिया के ऊपर अनोहक पहनते हैं। ये जूते पहनते हैं जो किसकी खाल से बने होते हैं? सियाल, सियाल एक मछली होती है, उसकी खाल से बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कार्मिक और मैक्यूलक्स, मैक्यूलुक्स क्या कहते हैं? ये देखो, कार्मिक और मैक्यूलुक्स बोलते हैं इनके जूतों को, ठीक है। उसके बाद इनके घर कैसे होते हैं? इनके घर बर्फ के बने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनको आप सभी पता है, बचपन से पढ़ते हैं, इग्लू बोलते हैं। ये बर्फ के बने होते हैं, जाहिर सी बात है। इनके घर जो बने होते हैं, ये जिन चीजों से बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कर्मक, कर्मक बोलते हैं, ठीक है। वैसे इनके घरों के अंदर ना नीचे सुरंग बनी होती है, एक घर से दूसरे घर के अंदर जाने के लिए। छोटे छोटे होते हैं घर, ज्यादा लोग नहीं रहते, एक या दो जनों के लिए बनता है घर। ये पढ़ लेते हैं। अभी इनका सामाजिक और सांस्कृतिक स्ट्रक्चर कैसे है वो पढ़ लेते हैं। ये छोटे छोटे ग्रुपों में रहते हैं, बताया था मैंने क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ग्रुप में रहेंगे तो खाना भी ज़्यादा चाहिएगा, बिल्डिंग भी ज़्यादा चाहिएगी। घर इनके छोटे छोटे होते हैं, खाना इनको प्रॉपर मिलता नहीं है, तो ये छोटे छोटे ग्रुपों में बन के रहते हैं। बड़ी आसानी से जीवन जीते हैं, सिंपल लाइफ होती है। ये पैट्रिटिक होते हैं, पिता प्रधान पितृवंशीय समुदाय से होते हैं, और ये पोलोगेमी मतलब एक से ज़्यादा महिलाएं पुरुषों से शादी, या एक, कहने का मतलब पोलोगेमी एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं से, या एक महिला एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शादी करती है, तो उसको पोलोगेमी कहते हैं। ये प्रथा इनमें पाई जाती है। उल्टू भाषा बोलते हैं, अल्यूट भाषा बोलते हैं ये, और सुपरस्टिशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा आतंक वो मतलब अंधविश्वासी होते हैं ये। कहा जाता है कि इनके एक चीज़ होती है कि जब इनके खाना ख़त्म होने वाला होता है और कम खाना होता है, तो इनके परिवार में जो सबसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो आत्महत्या कर लेते हैं ताकि बाकियों को खाना मिल जाए प्रॉपर रूप से। ये थोड़ा अजीब सा पाया जाता है इनमें। अब ये क्या करते हैं? आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए अपनी तरह खेती बाड़ी तो करते नहीं हैं, ना व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? शिकार करते हैं। शिकार इनका महत्वपूर्ण जीवन है, उसी के द्वारा इनकी ज़िंदगी चलती है। अब शिकार किसका करेंगे भैया? जानवरों का ही करेंगे। अब दो तरह से करते हैं, सर्दियों में अलग और गर्मियों में अलग शिकार। इनका मुख्यतः शिकार किसका करते हैं? सियाल, सियाल मिल जाए तो इनके लिए फेवरेट है। जैसे आपका फेवरेट भोजन होता है कोई सब्जी वगैरह, वैसे ही इनका फेवरेट सियाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होती है। आपने पढ़ा होगा कि जूते बनाते हैं सियाल की छाल से, और सियाल की जो हड्डियाँ होती है वो काफ़ी देर तक जलती है, इन्हें गर्मी भी खूब देती है, तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी है इनके लिए। अब दो तरह से जो करते हैं ना, मतलब जो सर्दियों के अंदर जो करते हैं, माउपाक और इतुरपाक, ये IT है, H नहीं है, IT URPAK की, माउपाक और इतुरपाक, दो तरह से ये कब करते हैं? विंटर, सर्दियों के अंदर दो तरह से ये शिकार करते हैं।
बताऊं कैसे? माउ पाकी होता है कि एक पानी में गड्ढा बना दिया जाता है और उसके ऊपर लकड़ियां लगाई दी जाती है। जैसे ही सील मछली आती है पानी सांस लेने के लिए बाहर निकलती है, वो लकड़ी वगैरह हिलने लग जाती है, इनको पता चल जाता है कि सील आई हुई है, मार लेते हैं उसको। और इतुर पाक क्या होता है, इसके अंदर दो गड्ढे बनाए जाते हैं, जब काफ़ी देर तक सियाल ना आए तो दो गड्ढे बनाए जाते हैं। एक में क्या करते हैं, एक गड्ढे में से तो चारा डाला जाता है, और जैसे ही चारा डाला जाता है वैसे ही सियाल आती है, तो इशारा करके दूसरे व्यक्ति को बता दिया जाता है कि शिकार आ गया है, मार ले। ऐसे करके ये गर्म सर्दियों के अंदर शिकार करते हैं भैया, सर्दियों के अंदर खाना भी ज़्यादा चाहिए, तो ये ऐसे करके शिकार करते हैं सियाल का मुख्यतः, या कोई भी मिल जाए। और गर्मियों में क्या होता है, जैसे गर्मी आई सारे जानवर बाहर आ जाते हैं, तो गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती, ये फिर तीर कमान हाथ में लेते हैं, फिर हेयर वुल्फ डॉग बर्ड्स जो भी मिले उसको मार लेते हैं, और कितने जानवर मिलेंगे। अब इनको हथियार भी चाहिए काम करने के लिए भी, मारने के लिए भी हथियार चाहिए, और चलने फिरने के लिए, अब एक जगह तो सारा कुछ मिलेगा नहीं, तो उनको टूल्स और इक्विपमेंट जो चाहिए वो पड़ते हैं। ये बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनका क्या होता है, हारपून। हारपून जैसे हमारा भाला होता है ना, इस तरह उस तरह का होता है, मतलब दूर से फेंक के मारा जाता है और मार दिया जाता है। ये जो नाव यूज करते हैं, लेदर की बनी हुई नाव यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्याक। दोनों में से जो मर्जी स्पेलिंग यूज कर लेना, क्याक बोला जाता है उसको, ठीक है। छोटी सी होती है, मतलब 5 मीटर की लंबी और 2 से 2.5 मीटर की चौड़ी, इतनी की होती है। कयाक से जो बड़ी नाव उनकी होती है उसको उमियाक बोलते हैं, कयाक से बड़ी नाव को उमियाक बोलते हैं, ठीक है। और ये एक गाड़ी भी यूज करते हैं, स्लेज, जिसमें बिना टायरों की गाड़ी होती है, मतलब एक गाड़ी बना दी जाती है, आगे उसके कुत्ते बांधे जाते हैं, कुत्ते उसको कहते हैं, उसको स्लेज बोलते हैं, बिना टायरों की गाड़ी होती है ये घूमते रहते हैं। अब क्या हुआ, धीरे 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 जैसे ये बाकी दुनिया के संपर्क में आने शुरू हुए, इनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में काफ़ी सक्षम है। 1960 के बाद क्या हुआ कि जैसे ये बाहरी लोगों के संपर्क में आने शुरू हुए, इन्होंने गन सीख ली, गन कैसे चलाते हैं, तो ये हंटिंग के लिए क्या यूज करना शुरू कर दिया इन्होंने, गन। अब तो स्लेज का यूज नहीं करते, किसका यूज करने लगे, मोटर बेस्ड गाड़ियाँ, मोटर बेस्ड बोर्ड जो मोटर से चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चलती हैं या पेट्रोल डीजल से चलती हैं, उन गाड़ियों को यूज करना शुरू कर दिया। किसके जगह स्थान पे, क्या किस स्थान पे, और स्कूटर भी यूज करने लग गए। स्नो स्कूटर जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, बर्फ के ऊपर चलने वाले स्कूटर, वो भी यूज करने लग गए सियाज की जगह। उनकी लाइफ अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, किसकी मदद के बाद, जैसे अमेरिका सरकार ने इनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब ये बात 1960 के शुरू हो गई थी, तो कहने का मतलब वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेज इनमें आ चुका है, बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं ये। अब तो मात्र ये किताबों में पढ़ा जाता है कि एस्किमो नाम की कोई जनजाति होती है, बाकी लगभग ये काफ़ी मॉडिफाइड हो गए हैं। थैंक यू दोस्तों, बाकी के वीडियो कल डालेंगे। इसमें आपके कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं जवाब अवश्य दूंगा। सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू दोस्तों।